उठो जागो, अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं, जल्दी से बताइएगा आवाज सही है या नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्लास है आपकी यूपी पुलिस को और दिल्ली पुलिस को टारगेट करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस और आपका जो सीआरपीएफ का एग्जाम्स होना है उसके लिए भी ये क्लास काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर हम लेकर आते हैं, ठीक है। उनको आप लिखते जाएं, जो चीजें आपको लगता है नहीं है उसको भी आप नोट डाउन करेंगे, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं एक बार बताएंगे। ज्योति, सचिन, अशोक, हरीश, अशोक पासवान, सुमित, करण, लवी, सूर्यवंशी, उषा, नेहा, पुष्पेंद्र, विशाल, ध्रुव, संजना, अरविंद, हरिकेश, विशाल गोस्वामी, ध्रुव, सुधीर गुप्ता, सोनू, सुमित, रेणु सिंह, हिमांशु। चलिएगा भाई, स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसका आंसर करने का आपको प्रयास करना है। चलिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक थे, बिंदुसार थे, बृहदत्त थे या फिर पुष्यमित्र सुंग थे। हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश की, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ये कौन थे, ठीक है ना। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि अंतिम शासक कौन थे। आप सभी जानते हैं कि मौर्य जो वंश था इसकी जो स्थापना की गई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, ठीक है। आप सभी जानते हैं इस चीज को, क्योंकि जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है ना, नंद वंश के अंतिम जो शासक थे इनको हराकर ही किसका, मौर्य वंश की स्थापना यहां पर हुई थी, ठीक है। आप सभी इस चीज को जानते होंगे, ठीक है। घनानंद को हराकर क्या किया गया था, मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और इसमें जो मौर्यों का सहयोग दिया था ये चाणक्य जी ने सहयोग दिया था। तो यहां पर जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश के ये थे बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक थे और इनके सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र सुंग। इनके जो सेनापति थे इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना वहां पर हुई थी। बात यहां तक समझ में आई या नहीं बताएंगे आप। चलिएगा भाई, सभी बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, वेरी गुड।
तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो मौर्य हैं यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कर्म आपसे पूछा जा सकता है। राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृद्ध केंद्र की स्थापना की थी, कहां पर इन्होंने एक ज्ञान केंद्र की स्थापना की जिसका नाम है भद्र विहार, इसको कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो ये 606 से 647 ईस्वी तक शासक रहे थे, ठीक है ना, ये शासक रहे थे। और इन्हीं के समय में वेन सांग जो चीनी यात्री था ये भारत आया था, ठीक है ना। ये कौन था, ये एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था भाई, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के दरबार में एक इनके जो है दरबारी कवि थे, क्या आप नाम बता सकते हैं उनका, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी। क्या लिखी थी इन्होंने, हर्ष चरित्र पुस्तक का इन्होंने क्या किया था, लेख किया था। क्या बता सकते हैं उनका नाम जो इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, एक बार आप बताएंगे। तो इन्होंने कहां पर ये स्थापना की थी भाई, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कन्नौज में इन्होंने भद्र विहार की या विहार की जो कि एक ज्ञान का केंद्र था इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी कंचन, वेरी गुड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर ऐप पर क्लास नहीं चालू किए, कौन कह रहा है कि ऐप पर क्लास चालू नहीं की, ऐप पर आपकी 3 बजे पॉलिटी की क्लास हुई थी, जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं वो एक बार बताएंगे कि आपकी क्लास हुई है या नहीं, 3 बजे आपकी एप्लीकेशन पर क्या क्लास हुई थी या नहीं। चलिएगा, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता है, एक शब्द है बंदगान, ये बंदगान क्या है, क्या इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको धर्म परिवर्तन करने के लिए नियुक्त विशेष व्यक्ति कहा गया, भू राजस्व वसूली के लिए विशेष अधिकारी इसको कहा गया, शाही कारखानों में तैनात विशेष कारीगर इसको कहे गए, या फिर सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम कहा गया। तो बंदगान शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। जो बच्चे जल्दी पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाकर 10 मिनट वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, 5 मिनट में बने आईएएस अधिकारी वो वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंदगान का अर्थ होता है सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम इसका अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ और शब्द हैं जैसे दीवाने मुस्तकराज, आपसे अगर पूछ लिया जाए दीवान ए मुस्तकराज, मुस्तकराज इस शब्द का अर्थ क्या है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीवान ए मुस्तकराज शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसको भू राजस्व वसूली करने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू राजस्व वसूली करने वाला व्यक्ति, वसूली करने वाला व्यक्ति इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं हम दीवाने मुस्तकराज को, भू राजस्व वसूली करने वाला व्यक्ति। एक होता है सदर उस सुदार, क्या होता है, एक होता है सदर उर या उस सुदार, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कानून मंत्री। क्या कहेंगे, कानून जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, इसी प्रकार से कानून मंत्री उस समय भी हुआ करते थे। एक होता है काजी उल कुजुर, क्या होता है, काजी उल कुजुर, इसको कहा जाता है क्या, इसको न्याय मंत्री कहा जाता है, न्याय मंत्री, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट था ये भी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई या नहीं बताएंगे एक बार बाद, आपको समझ में आई या नहीं, सर जी लेट हो गया, कोई बात नहीं, इसे स्टार्ट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस बाद में किसे बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था? यह इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीका से ऐसे पढ़ सकते हैं कि शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर कम टू बी द नोन एज शेरशाह सूरी, ठीक है ना। इसको पहले बचपन में इसका जो नाम था उसको बाद में क्या किया गया, उसको बाद में शेरशाह सूरी कर दिया गया। आदिल है, नासिर है, सलीम है या फरीद है? तो शेरशाह सूरी का नाम क्या है एक बार बताएंगे। वेरी गुड, एक बार सभी बच्चों को आंसर इसका करना है। तो ये था आपका फरीद। जो फरीद था इसको बाद में हमने शेरशाह सूरी कहा। इसका जो शासन काल था ये कब से कब तक रहा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसका जो शासन है, टाइम पीरियड है भाई, ये कब से कब तक है, तो आपने देखा होगा 1486 से 1545 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। क्वेश्चन बन सकता है, लिखते जाएंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको मैं बता रहा हूं। इसको शेर खान की इसने उपाधि ग्रहण की थी। किसकी? शेर खान की इसको उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसने किस गुलाम सल्तनत के जो शासक थे, या कह सकते हैं जो सल्तनत थी मुगल वंश था, मुगल वंश के किस शासक को इसने देश से बाहर निकालने के लिए, या कह सकते हैं बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया और वो बाहर देश के बाहर उसको भगाया भी, तो वो थे हुमायूं। हुमायूं के साथ इन्होंने युद्ध किया था। एक बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम, कन्नौज का युद्ध ध्यान रखिएगा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ध्यान रखेंगे। तो ये युद्ध किसके साथ में हुए थे? हुमायूं के साथ में हुए थे, जिसे अफगानिस्तान जो है जाने पर इन्होंने मजबूर किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इन्होंने ही जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था, जो लाहौर से कलकत्ता के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इन्होंने ही सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे? सिक्के चलवाए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची लिख रही है कि सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। चलिए कोई बात नहीं, इसका जो ये क्वेश्चन है यूपी पुलिस का एग्जाम उठाना 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद उसे देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाना। ये मैं कहीं से अपने आपसे बनाकर नहीं लाया हूं, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था, बताएंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो ऑनलाइन कब चलता है? वीडियो ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही क्लासेस 6 बजे आपकी चलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, इनकी राजधानी भी सासाराम ही हुआ करती थी। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी की जो कैपिटल थी ये क्या थी भाई, तो ये सासाराम ही हुआ करती है। इनकी जो राजधानी थी ये सासाराम ही थी, और आपको बता दूं इनका जो मकबरा है वो भी सासाराम में ही है, तो ऑप्शन यहां पर आपको वो भी मिल सकता है। लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति थी उसके लिए जाना जाता है, तो उसके आधार पर यानी कि राज्य हड़प नीति का जनक किसको कहा जाता है? ये लॉर्ड डलहौजी को ही राज्य हड़प नीति का जनक कहा जाता है। इन्होंने अवध को जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, ये कब मिलाया था? 1856 में मिलाया था, ठीक है ना। कब? 1856 में। देखना कितना इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। 1856, और 1856 को इन्होंने अवध में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। आधार अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? कुशासन है। सबसे पहला जो इनके द्वारा मिलाया गया राज्य था या क्षेत्र था ये कौन सा था? 1848 में इन्होंने सबसे पहले जो क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया वो क्या था? तो ध्यान रखिएगा, वो हुआ करता है सतारा। क्या हुआ करता है? सतारा का नाम आपको ध्यान रखना है। बड़ा आसान सा है, आसान आपको यही लग रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपको कहां पर मिल जाए ना, आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, उसके बाद जो आपकी हालत होने वाली है वो आप खुद जानते हैं, ठीक है ना। आप खुद जानते हैं कि इसका 1856 आंसर करूं या 57 आंसर करूं। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप सभी चीजें जानते हो, ऐसा नहीं है, आप जानते होंगे लेकिन सभी बच्चे नहीं जानते, ठीक है। तो सबको देखते हुए सबका साथ सबका विकास, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध के क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, ठीक है ना। किस क्षेत्र में उन्होंने कार्रवाई की थी? निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, सियाचिन में, सिक्किम में, इम्फाल में या कोहिमा में? यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि आजाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने की थी और कब की थी? तो 1942 में इसकी स्थापना राज बिहारी बोस ने की थी। किसने? राज बिहारी बोस के द्वारा स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना, इसकी जो कमान संभाली थी 1943 में, ये किसने संभाली थी? चंद्रशेखर आजाद ने, सॉरी, हाँ, चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी क्या संभाली थी? कमान संभाली थी। सुभाष चंद्र बोस, शेखर पता नहीं क्यों याद आ रहा है मेरे आज, चंद्रशेखर आजाद। चलिएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये था इम्फाल वाला क्षेत्र, जो कोहिमा और इम्फाल वाला क्षेत्र है, यहां पर उन्होंने कार्रवाई की थी, ठीक है। चलिएगा, वेरी गुड। एमटीएस के लिए केवल 12 जरूरी होती है मोनू वाईटी, ठीक है। केवल आप अगर 12th पास हैं तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो जानते हैं उसको अपने पास रखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं जानते, ना मैं किसी बच्चे को पर्सनली उसको टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन जो आप जानते हैं उसको पास रखें, जब तक आपसे पूछा ना जाए। अगर आप फ्री में ज्ञान दोगे तो आपके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान रखिएगा। जब हमारे संविधान को लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तो उस समय जो प्रारंभिक मसौदा था, इसको तैयार करने वाले कौन व्यक्ति थे, किसका जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। वो फॉर्मेटिंग पूछी जा सकती है। राम मनोहर सिंह है, नंदलाल बोस हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, या बेनेगल नरसिंह राव हैं? ऑप्शन आपको चार हैं, बताएंगे, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे। जो हमारा संविधान है ये कब लागू हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसकी जो ड्राफ्टिंग थी या फॉर्मेटिंग थी, किसके कहने पर या किसकी सलाह पर की गई थी? तो ये थे आपके बेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम बी एन राव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको बी एन राव भी कहा जाता है। और इन्हीं को 1914 में जो संवैधानिक सभा थी, ठीक है ना, संविधान सभा के लिए इनको सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? सलाहकार, एडवाइजर इनको नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर, ध्यान से सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 में इसको स्वीकार किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था, आप सभी जानते हैं। क्या बता सकते हैं संविधान की जो आखिरी बैठक थी ये कब हुई थी? सर ग्रेजुएशन जरूरी होती है, सीजल के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर आप सीजल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। CHSL के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। MTS के लिए आप 10th और 12th दोनों पर ये फॉर्म निकलते हैं, ठीक है ना। और कुछ? चलिएगा, तो ये हो जाएगा बी एन राव। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप कॉल करके पूछते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगी हमारे ऑफिस में। चलिएगा, डेस्क को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। इनमें से वो कौन व्यक्ति हैं जिनको हमारे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते? आंसर कीजिएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, महाधिवक्ता है, राज्यपाल है, या महान्यायवादी है? ये यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है भाई, आसान क्वेश्चन है, आंसर करें, जल्दी से आंसर करना है। चलिए, अच्छा आज गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, थोड़ा ना रिलैक्स हुआ करें, अपने आप को मेडिटेट किया करें, तो जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन को जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा
नियुक्त नहीं किया जाता किसको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, वो मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ें या अपने माइंड को संकेत दें। महाधिवक्ता आप नहीं जानते, उसको जानने का प्रयास करें, कौन होते हैं, कौन नियुक्ति करते हैं, कितने साल के लिए करते हैं, इनका कार्य क्या है, तुरंत जानें। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन बन सकता है, कहाँ कहाँ पर नियुक्ति हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महान्यायवादी के बारे में आप सभी जानते हैं, तो महाधिवक्ता जो होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये राज्यों में होते हैं। इनको एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, एजी भी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल भी इनको कहा जाता है, जबकि महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत हमारे जो राष्ट्रपति हैं या प्रेसिडेंट हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी सही हो जाएगा, और ये एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो हैं ये राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है भाई, जिस प्रकार से महान्यायवादी हमारे क्या हैं, भारत सरकार के क्या कहे जाते हैं, वकील कहे जाते हैं, इसी प्रकार से ये राज्य सरकार के वकील कहे जाते हैं, एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखना, बात समझ में आई या नहीं, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 में बनी के संबंध में निम्नलिखित में से किसके पास वित्त विभाग था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। जोगेंद्रनाथ मंडल है, जगजीवन राम है, लियाकत अली खान है या जॉन मथाई है। अंतरिम सरकार बनाई गई थी, ये अंतरिम सरकार जो बनाई गई इसमें प्रधानमंत्री के जो पद पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था, लेकिन इसमें जो फाइनेंस वाला क्षेत्र था ये किसके पास था, ये आपसे पूछ रहा है। सर उत्तराखंड वाले भी कर सकते हैं क्या क्वेश्चन, भाई उत्तराखंड वाले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड में भी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, मुझे लगता है कि दरोगा की, एसआई की, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी वहां पर आने वाली है, ठीक है, चलिएगा। तो 1946 में जो वित्त विभाग था, वित्त विभाग में हम बात कर रहे हैं, अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे हमारे, ये कौन थे भाई, ये थे लियाकत अली खां। कौन थे, लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं पता तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कानून मंत्री कौन थे तो जगजीवन राम थे। कौन थे, कानून मंत्री जगजीवन राम, ठीक है, लिखेंगे कानून मंत्री कौन है, जगजीवन राम थे। जबकि अगर हम श्रम मंत्री की बात करें तो कौन थे, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो जगजीवन राम थे ये थे श्रम मंत्री, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। हाँ, और जॉन मथाई के पास में था आपूर्ति, क्या था, आपूर्ति, उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय, उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय, इनके पास ये था, ठीक है, ये सही करना है एक बार आपको। लियाकत अली थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, चलिएगा। श्रम विभाग था इनके पास में जगजीवन राम के। चलिए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किसके संबंध में विषय वस्तु निहित है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में है, पंचायतों की शक्ति है, आधार व उत्तरदायित्व है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इन फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द दिस इज ऑब्जेक्टिव कॉन्टेंट। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा भाई, बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। यूपी पुलिस आप भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते, ये तो आप जानो कि आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आप फिजिकली फिट हो या नहीं, ठीक है, ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे भाई। आपको बिना नाम देखे, मैं कोई बाबा नहीं हूं कि आपका नाम पढ़ा तो आपका सारा फ्यूचर मैंने देख लिया, ठीक है, फ्यूचर या आपके बारे में सारी जानकारी ले ली, तो वो आप देखो कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो संविधान की चौथी अनुसूची जो है इसमें आप सभी जानते हैं, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान है।
कि राज्य से कितनी सीटें कहां पर आवंटित की जाएंगी। राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या अगर हम बात करें 250 होती है, लेकिन वर्तमान में कितनों पर चुनाव होता है, कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं, 245 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं। इसमें से जो 12 सीटें हैं ये नॉमिनेटेड सदस्यों के लिए है। किसके लिए? जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं हमारे, उनके लिए ये सीटें आरक्षित की गई हैं, ध्यान रखिएगा। तो चुनाव जो होता है केवल 233 सीटों पर ही होता है, और इनमें भी राज्यों की जो सबसे अधिक संख्या है ये यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें आवंटित होती हैं। कहाँ से? यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें आवंटित होती हैं। यहाँ पर अगर आप गलती कर सकते हो तो एक ही गलती कर सकते हो, वो ऑप्शन में आपको यहाँ पर देगा कि लोकसभा व राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है, फोर्थ अनुसूची में, और आप देखकर इतना खुश हो जाएंगे कि इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें लोकसभा की सीटों का नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें लोकसभा की सीटों का आवंटन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, केवल राज्यसभा की सीटों का आवंटन ही है, ध्यान रखना, केवल राज्यसभा की सीटों के बारे में है, ध्यान रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप गलती कर सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा वो दोनों दे सकता है, इसलिए आपको केवल राज्यसभा का याद रखना है, लोकसभा को भूल जाना है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर करना है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे। ठीक है ना, चलिएगा, इन चीजों को ना जो मैं बताता हूं इनको नोट डाउन कर लिया करें आप, इनको आप क्या कर लिया करें, नोट डाल के लिखें। नोट डाल के आप कैसे लिखेंगे कि लोकसभा की सीटों के आवंटन के बारे में जिक्र नहीं है अनुसूची 4 में, ऐसे लिखा करें, तो जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपका तुरंत ध्यान वहां जाएगा कि मुझे क्या गलती इसमें नहीं करनी। ठीक है, तो 1993 के जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे ये मदन लाल खुराना थे। कौन थे? मदन लाल खुराना थे, ध्यान रखिएगा। अगर वर्तमान की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं आप पार्टी से हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल, ध्यान रखिएगा। केजरीवाल हमारे वर्तमान में क्या है? सीएम है दिल्ली NCR के। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वेरी गुड। तो कौन है? मदन लाल खुराना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, साबरमती, तापी और माही। इस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कल के परसों के एग्जाम में पूछा गया, जो यूपी वीडियो का एग्जाम हुआ वहां से क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये नर्मदा नदी के किनारे है, और इसकी जो लगभग लंबाई है 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है, ध्यान रखना। ये लंबाई बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपकी क्लास किस किस टाइम पर चलती है? प्लीज, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, और शाम 6 बजे आपकी ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए आपकी क्लासेस चल रही है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आपको बताना है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर है? इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी किस राज्य में है या किस शहर में है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, आप सभी जानते हैं, और ये एक घाटी में, किसमें? रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नर्मदा नदी को ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वेरी गुड, जया मोरिया। ये हो जाएगा आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और हैदराबाद में ही सलार जंग म्यूजियम है। कौन सा? सलार जंग म्यूजियम भी हैदराबाद में ही है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ये भी आप सभी जानते हैं, और हैदराबाद को आप बताएंगे किस ऑपरेशन के द्वारा आजाद कराया गया था। ठीक है, किस ऑपरेशन के द्वारा आजाद कराया गया था? स्टैटिक के अंदर से पूरा शहर दिख रहा है, किसके? स्टैचू के अंदर से। अच्छा, चलिएगा, ठीक है, चलिए। चार मीनार कहां पर है, बताएंगे। नेक्स्ट है, एशिया का तीसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? कल हमने आपको बताया था, देखिए ट्रेंड, उसका ट्रेंड पकड़ना, क्वेश्चंस जो बनाने वाला व्यक्ति है,
कल उसने कल की शिफ्ट में पूछा था अफ्रीका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, अब एशिया की बारी आई तो उसने तीसरा सबसे बड़ा पूछ लिया। तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इराक है, बांग्लादेश है, जॉर्डन है या इंडोनेशिया है? हम बात करें उस समय की, यानी कि 2018 का जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। उस समय की बात है जब चीन पहले नंबर पर हुआ करता था, ठीक है ना, और उस समय की बात है जब भारत सेकंड नंबर पर हुआ करता था, तो उसी समय की बात है जब इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर हुआ करता है, ठीक है ना, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर हुआ करता है। लेकिन आज अगर हम आज की 2023 की बात करें तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले नंबर पर आप जो है इंडिया को पाएंगे, ठीक है ना, भारत जनसंख्या में पहले नंबर पर आ चुका है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो चाइना इसमें सेकंड नंबर पर है। हम बात 2019 की करें, 18 की करें या 23 की करें, दोनों के आंकड़े अलग हैं, दोनों ही आंकड़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है आपका भारत सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आज भी इंडोनेशिया ही है। और एक चीज मैं बता दूं, इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अगर उसके क्षेत्र के अनुसार देखी जाए, उसकी जनसंख्या के अनुपात में वहां की मुस्लिम आबादी देखें तो अनुपात के अनुसार से सबसे ज्यादा है, एक इस्लामिक स्टेट है, ध्यान रखना, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है? उड़ीसा में, झारखंड में, असम में या मध्य प्रदेश में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट? जल्दी से बताएंगे, वो अमेरिका पूरे विश्व की बात चल रही थी, वो केवल एशिया की बात कर रहा है, मुझे यही तो आपको समझाना है, यही तो आप गलती करोगे। उसने क्या दिया है? उसने एशिया दिया है। ये शब्द क्या है? अमेरिका कहां आता है? एशिया में आता है या फिर उत्तरी अमेरिका में आता है? पूरे विश्व की हम बात नहीं कर रहे, केवल एशिया की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को तभी कहता हूं पूरा पढ़ा करें, तभी तो समझ में आएगा। राजस्थान वाले भी देख सकते हैं भाई, राजस्थान से जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पुराना जो क्षेत्र है ये असम में है, डिब्रूगढ़, डिगबुई जिसको बोला जाता है, डिब्रूगढ़, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुंबई हाई कहां पर है? एक शब्द है मुंबई हाई, मुंबई हाई एक स्थान है, ये कहां पर है भाई? ये भी पेट्रोलियम के लिए ही जाना जाता है, जैसे हमने सुबह नूनामती की बात की थी, ऐसे ही आपका मुंबई हाई है, ये कहां पर है? ये भी पेट्रोलियम के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। तो असम में सबसे पहले है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, चलिएगा। हाँ, राजस्थान वाले देख सकते हैं भाई, मेघवाल आपका शायद नाम था, ठीक है, हाँ, असम, वेरी गुड, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध गुजरात, हीराकुंड बांध उड़ीसा, टिहरी बांध उत्तराखंड, भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश? आंसर अच्छा है, जल्दी से बताएंगे। मुंबई हाई कहां पर है? अरब सागर में, 124 किलोमीटर दूरी पर, कहां पर? मुंबई से, ठीक है, चलिए। नूनामती पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, हाँ, ठीक है, चले। इसका आंसर करेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखेंगे, ये है आपका टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सोनम सिंह, वेरी गुड। टिहरी बांध जो है ये कहां पर है भाई? ये उत्तराखंड में है। और आपको मैं बता दूं, टिहरी बांध उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, आप यहां पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, बेहतर जगह है घूमने के लिए, ठीक है ना। यहां पर आपको काफ़ी जो है पर्यटन से संबंधित चीज़ें वहां पर मिल जाएगी, तो इसको क्या कर लिया गया, पर्यटन हब के रूप में भी विकसित कर दिया गया है, ठीक है ना। टिहरी गढ़वाल जगह पड़ती है उत्तराखंड में, वहां पर ये है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप मुझे बताएं, क्या बताएं कि विश्व का, सॉरी, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, विश्व का नहीं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, अगर वो पूछ लिया जाए आपसे,
हाँ वेरी गुड। सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध आपको बताना है। अगर टिहरी बांध की आप ऊंचाई जानना चाहते हैं तो लगभग 260 मीटर है। कितनी है? 260 मीटर है, ध्यान रखना। वैसे आज तक किसी भी एग्जाम में इसकी ऊंचाई नहीं पूछी गई, लेकिन जो बच्चे उत्तराखंड से हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका जो कल्चरल पार्ट है वहां पर ये पूछा जा सकता है। तो हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर है, महानदी पर है। अच्छा, टिहरी बांध से संबंधित एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए टिहरी बांध किस नदी पर है तो ये भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है। यहां पर भागीरथी नदी से बात समझ में आती है, एक है अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी है और एक नदी है भागीरथी। इन दोनों नदियों का जो मिलन बिंदु है या इन दोनों नदियों की जो धारा है इसको देवप्रयाग में क्या कहा जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा मैदानों में कहां प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा कहां जाकर अपना पानी छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं? अच्छा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? आंसर करेंगे, चलिएगा। नेक्स्ट है, राउरकेला लोह और इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश की तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? ये यूनाइटेड किंगडम की, नॉर्वे की, स्वीडन की या जर्मनी की? पहले तो आप बताएंगे कि राउरकेला कहां पर है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको किसके सहयोग से स्थापित किया गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है। तो इसको किया गया था जर्मन के सहयोग से, ठीक है ना, किसके? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला को हमने स्थापित किया था और यह समय था 1959 का, ठीक है ना, कब का? 1959 का यह समय था जब हमने इसको इजाद किया था पद्मा के नाम से, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आपको एक इसका आप कॉम्बिनेशन सा बना सकते हैं, जैसे राउरकेला और जे फॉर जर्मनी। जे से जर्मनी करना, जी से मत करना। तो आर जे से आप इसको याद रख सकते हैं, आर जे, जैसे आर जे जो कि होता है ना, जो रेडियो जंक्शन जो कि जिसको बोला जाता है, आर जे यानी कि राउरकेला, जे से जर्मनी, 1959। क्या बता सकते हैं राउरकेला कहां पर है? राउरकेला कहां पर है बता सकते हैं? उड़ीसा में, वेरी गुड। ठीक है, चलिएगा, कुछ और यहां पर है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बोकारो, बोकारो किसके सहयोग से लगा? तो ध्यान रखिएगा, बोकारो लगाया गया था रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से 1965 में। कब? 1965 में। और दुर्गापुर में एक लगा था, आपके ध्यान होगा, दुर्गापुर में एक लगा था, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो लगाया गया था किसके सहयोग से? यह लगाया गया था वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से लगा था? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। तो यह भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना, चलिएगा, वेरी गुड। बात समझ में आई या नहीं? सर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, कहां पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं, सब मिक्स है इसमें भाई, ये हिस्ट्री नहीं, इसमें सब आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है। और हम इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, देखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमति प्रदान की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, संशोधन विधेयक था, ठीक है, विधेयक था। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम है, अधिनियम है, दोनों का आंसर करें। और इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है, कौन सा है? असम है। दोनों का आंसर करना है कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, यह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है। सभी का आंसर 101 आ रहा है, ठीक है, चलिएगा, सभी का आंसर 101 आ रहा है। तो यह अधिनियम है या विधेयक है बताएंगे एक बार,
ये अधिनियम है या विधेयक है, बताएंगे एक बार बच्चे, कोई बच्चे बताएगा? चलिए, मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों में से प्रकृति सिंह ठाकुर, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा ये आपका विधेयक है, 122वां विधेयक इसको कहा जाता है। कौन सा? 122वां इसको विधेयक कहा जाता है, और ये अधिनियम बना था 101वां। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। विधेयक में और अधिनियम में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा, ठीक है? बात समझ में आई या नहीं? जब इसको संसद में लाया गया तो ये 122वें नंबर का विधेयक था, लेकिन 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था, आप सभी जानते हैं। तो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद, उनके हस्ताक्षर होने के बाद ये क्या बन गया था? ये अधिनियम बन गया था। ध्यान रखेंगे अधिनियम ये बन चुका है। अधिनियम बनने के बाद क्या हुआ? ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। राष्ट्रपति जब तक अपने साइन ना करे वो विधेयक ही रहता है, अधिनियम बनता है साइन करने के बाद, ये बात याद रखना, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1895, 96, 97 या 98? When was the electron discovered? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी दिवस के रूप में, नोट करते चलेंगे साथ ही साथ। आधे क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। या अगर आप इतना चीजें को कवर कर लेते हैं तो आपकी लगभग 70-80% के बीच तैयारी हो जाएगी। साथ आपका कुछ प्रैक्टिस काम करेगी, कुछ आपका जनरल नॉलेज काम करेगी, यानी आपका जो पेपर सॉल्विंग मेथड है वो भी काम करता है, ठीक है? चलिएगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई ये कब की गई थी, ये ध्यान रखना, 1897 में खोज की गई थी। किसने की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह इसकी जो खोज है किसने की थी, आपसे पूछा जा सकता है। एक मिनट भाई, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है भाई, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये रहा। PLFS के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक बेरोजगार माना जाएगा जब तक यदि वह डैश इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ेंगे। सप्ताह के दौरान किसी भी एक दिन अगर वो क्या रहता है, बिना काम के रहता है, तो उसको 1 घंटे के लिए भी काम बिना काम के रहता है तो उसको बेरोजगार माना जाएगा, ठीक है? सप्ताह के दौरान किसी भी दिन 24 घंटे अगर वो उसको पास कोई काम नहीं है तो बेरोजगार माना जाएगा। सप्ताह के दौरान किसी भी दिन 5 घंटे अगर वो काम नहीं करता तो उसको बेरोजगार माना जाएगा। सप्ताह के दौरान किसी भी व्यक्ति को 10 घंटे अगर वो काम नहीं करता उसको बेरोजगार माना जाएगा। तो यहां पर PLFS, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान रखना, ये सप्ताह के दौरान किसी भी व्यक्ति को अगर 1 घंटा भी वो काम नहीं करता अपने वर्किंग आवर में, वर्किंग आवर होता है लगभग 8 घंटे, 8 घंटे किसी व्यक्ति को किसी भी जॉब में, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट, काम करना होता है, तो उस दौरान अगर वो 1 भी घंटा काम नहीं करता तो उसको बेरोजगार माना जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम के अनुसार मैं बता रहा हूं, और इसको कहा जाता है आवधिक PSLF जो है, PLFS जो है, सॉरी, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार ये परिभाषा है कि हम उस व्यक्ति को बेरोजगार मानेंगे जो 1 सप्ताह में 1 घंटे के लिए भी कार्य नहीं करता, ठीक है? उसी को हम बेरोजगार मानेंगे इसके अकॉर्डिंग। यहां पर आप अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? आपको कोई भी अपना लॉजिक नहीं लगाना है, ऐसा क्यों है, क्या है, ये सर्वेक्षण की परिभाषा है। सर्वेक्षण ने बेरोजगारी की परिभाषा ये दी है। आप अपनी बेरोजगारी की भाषा दे सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है घर के नहीं देते, मैं बेरोजगार हूं, वो आपकी परिभाषा है, इसमें उसको इंक्लूड मत करना, ठीक है? चलिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई 1897 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने की थी, एक बार बताएंगे, किसके द्वारा की गई थी? जे.जे. थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे.जे. थॉमसन के द्वारा, वेरी गुड, ठीक है? चलिएगा, हाँ, MTS के लिए आपकी सुबह 11 बजे क्लास होती है भाई, ठीक है? सुबह 11 बजे ये क्लास जो है यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार
सॉरी यूपी, दिल्ली, एमपी और आपका सीआरपीएफ के लिए है। कुलान सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? धारिता की, प्रतिरोध की, विद्युत धारा की या चुंबक की, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो कुलान जो है ये किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 20। कुलान की जो इकाई है, मात्रक है, इसको क्या कहा जाता है? जे जे थॉमसन। हाँ, इसके अनुसार आप बेरोजगार नहीं हुए, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है ना। पीएलएफएस के अनुसार आप अपने अनुसार बेरोजगार हैं, ठीक है, चलिएगा। ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मात्रक भी याद करते चलेंगे। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब को सुरक्षित रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है क्योंकि उसमें डैश वाष्प होती है जो प्रकृति में जहरीली होती है। इसमें क्या भरा होता है जिससे सीएफएल को, सीएफएल जो ट्यूबलाइट आया करती थी उस समय, आपके ध्यान होगा, एक होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, इन दोनों को सुरक्षित हम रख सकते हैं किसके कारण? एनिमोनियम के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें यूज करके, नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज करके या पारा का यूज करके, किसका यूज करके हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं जो क्षतिग्रस्त होने से इनको बचाती है, ठीक है, चलिएगा। हाँ, बिहार पुलिस के लिए 2 बजे आपकी क्लासेस चल रही हैं, ध्यान रखना भाई। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे देखिएगा यार, इसको मैं बता रहा हूं विकास भाई, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी, मैं विश्वास अगर आप करते हैं तो सच में आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये क्लास आपके लिए नहीं है, दिल्ली पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले बच्चे कंबाइंड होकर देखिए, क्योंकि जीएस दोनों में पूछा जाता है, दोनों में आती है, ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका पारा, पारे का अगर हम इसमें यूज करते हैं मरकरी का, तो उसको सुरक्षित हम रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे कम होता है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, सोडियम का या कैल्शियम का? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लिस्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस? क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लोरीन की जो त्रिज्या है ये सबसे कम होगी, बिल्कुल पारा हो गया, ठीक है ना, पारा होगा बिल्कुल। जो मरकरी है ये काफी भारी तत्व है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यूपी पुलिस कब से? यूपी पुलिस जल्दी से आएगी, हाँ, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस का बैच चलेगा, अलग से चलेगा, आप उसका इंतजार कीजिए। फिलहाल हम प्रीवियस पेपर कर रहे हैं, एक बार इसको समझ लेना, उसके बाद उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बिहार पुलिस चलाया है, ठीक है, तो उसमें भी आपको वहां पर वापस से दिल्ली पुलिस के लिए बैच चलाया जाएगा। लेड क्रोमेट जो वैसेला और कैंसरकारी होता है, किसके पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? लेड क्रोमेट, मिर्च, लहसुन, हल्दी या अदरक? लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी, क्रोजेनिक जिसको हम कहते हैं, मिर्च पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है, लहसुन में मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है, हल्दी में या अदरक में? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो हल्दी होता है ना, हल्दी, हल्दी में इसका यूज किया जाता है, हल्दी में इसको मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये एक कारण बनता है किसका? कैंसर का कारण बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कच्ची हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी जो गांठ होती है हल्दी की, उनको आप अगर ग्राइंड कराते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, जो बाजार से आप पैकिंग वाली हल्दी लाते हैं, ठीक है। तो आप पैकिंग वाली हल्दी से ज़्यादा बेटर है कि आप जो है गांठ होती है हल्दी की उसको बाजार से लेकर अपने सामने अगर पिसवाते हैं, ठीक है, चलिएगा, क्योंकि इसमें लेड मिला दिया जाता है। एक वयस्क मनुष्य सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है, ठीक है ना। यूरिन पास जो करेगा 24 घंटे में वो कितना करेगा? 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3.0 लीटर या 1.8 लीटर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा बताएंगे एक बार, सभी बच्चों को आंसर करना है कि लगभग 24 घंटे के अंदर आप कितना यूरिन पास करते हैं। हाँ, बारूद जो होता है, ये जो धनिया पाउडर होता है उसमें यूज किया जाता है उसका, ठीक है। हाँ, हल्दी एंटीसेप्टिक का कार्य करती है भाई हल्दी, वेरी गुड भाई।
ठीक है 1.8 लीटर, कितना 1.8 लीटर मूत्र विसर्जन आप कर देते हैं, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर। हो सकता है कुछ प्राणी ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये एक मानक है, ठीक है ना, ये एक मानक है। अब ये मत कहना उनको कैसे पता चला, क्या वो सबका जो है देखते हैं कितना कर रहे हैं, नहीं, तो ये एक स्टैंडर्ड है। रिसर्च के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं। आप बोलोगे हमारे तो ऊपर रिसर्च नहीं किया, तो आप रिसर्च के लायक अभी नहीं हो कि आपके ऊपर रिसर्च किया जाए, ठीक है, चलिएगा। अंगूर की बेल एक उदाहरण है किसका, झाड़ी का, विसर्प का, जड़ी बूटी का या आरोही का, किसका ये एक उदाहरण है, अंगूर की जो बेल होती है, ठीक है, चलिएगा। हाँ हाँ उस दिन 2 लीटर, चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं आ रहा आपके पास में आपका यूरिन टेस्ट करने के लिए, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर हो जाएगा। ये आरोही एक का एक उदाहरण है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे देखते हैं ना आप बेल जो होती है, वो बेल ऐसे चलती है, ऐसे 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 चली जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, आरोही क्रम इसको कहा जाता है। जैसे अमर बेल होती है वो भी आरोही ही है, ठीक है ना, वो क्या है, वो भी आरोही ही है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। वर्गीस कुरियन को डैश डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ये हमारे सारे प्रधानमंत्री की लिस्ट है, 4 दिए गए हैं, तो वर्गीस कुरियन को इन्होंने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, जो हमारी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। लाल बहादुर शास्त्री ने, गुलजारी लाल नंदा ने, इंदिरा गांधी ने या वीवी गिरे ने, किसने नियुक्त किया था वर्गीस कुरियन को, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है, चल गया। टेलीग्राम लिंक बाद में बता दिया जाएगा भाई, घबराए नहीं, आपको बताया जाएगा। नियारा सिंह, वेरी गुड भाई। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 1965 में जो राष्ट्रीय विकास डेयरी कार्यक्रम है, इनका अध्यक्ष बनाया गया था वर्गीस कुरियन को। किसको, वर्गीस कुरियन को। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं वर्गीस कुरियन किस लिए जाने जाते हैं, गुलजारी लाल नंदा नहीं है भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वर्गीस कुरियन किस लिए जाने जाते हैं, 1970 एक जनवरी, क्या लिख रहे हो भाई, 1965 की हम बात कर रहे हैं, उस समय तो लाल बहादुर शास्त्री थे ही नहीं जब आप डेट लिख रहे हो, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जयपुर है, बरसाना है, बनारस सॉरी लखनऊ है या बरेली है, ये घराने हुआ करते हैं जो आपका क्या है, क्लासिकल संगीत है, क्लासिकल जो आपकी डांसिंग फॉर्म होती है उनके लिए। तो ये कथक घराना जो है, कौन सा वो कथक घराना है जो आपके जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सेप्ट एसेस्ट को क्या करता है, ध्यान देता है, उस पर ध्यान देगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ घराना, जो आपके स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट पर ध्यान देगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति, वेरी गुड। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति से, दूध से, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनारस नहीं है, लखनऊ घराना है, जो किस पर ध्यान देगा, आपका जो स्पिरिचुअल पार्ट है, आध्यात्मिक पार्ट है, उस पर यह ध्यान देता है, स्पिरिचुअल बोलते हैं उसको, ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय शिक्षक या शिक्षा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 27 अक्टूबर में, 4 मार्च में, 17 सितंबर में या 11 नवंबर में। हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस की, शिक्षा दिवस आप किस दिन मनाते हैं, एक बार बताएंगे, जल्दी से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर क्या होगा, हाँ, नवाबों की नगरी है लखनऊ, ठीक है, 4 मार्च, 5 सितंबर, 5 भी लिख रहा है, शिक्षा दिवस है, वो शिक्षक दिवस की बात नहीं कर रहे दोस्त, वो शिक्षा दिवस हम पूछ रहे हैं, ठीक
ठीक है, चलिएगा। ध्यान रखेंगे ये 11 नवंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? 11 नवंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। जबकि अगर हम 27 अक्टूबर की बात करें तो ये आपका विश्व दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दृश्य विरासत दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अगर हम 4 मार्च की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है भाई, ठीक है ना। और आपका 17 सितंबर रोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? रोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चिंता कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे? मणिपुरी, उड़ीसा, कथक या कुचिपुड़ी? किसके ये विशेषज्ञ हुआ करते थे? चिंतामणि कृष्ण मूर्ति। क्या है? चिंतामणि कृष्ण मूर्ति की हम बात कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित है भाई, बताएंगे एक बार। पेशेंट डे, चिंतामणि कृष्ण मूर्ति, ठीक है, चलिएगा। तो ये किससे संबंधित है? ये कुचिपुड़ी घराने से संबंधित है, सॉरी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य भाई? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, कहां का है कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से? कथक यूपी से संबंधित है, यूपी से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? डी सही होगा। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इसको हम कहते हैं पुस्तक, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसने लिखी है? पीवी नरसिम्हा राव है, इंद्र कुमार गुजराल है, ये इंद्र नहीं है, ये इंद्र है वैसे तो, इंद्र इसको लिखा गया, मनमोहन सिंह है या अटल बिहारी वाजपेयी है? ये किसकी पुस्तक है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से बताएंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर, आप क्लास लेना बंद करो, नरेंद्र कुमार का है। चलिए, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। किसकी? इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। इनके जो पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह की एक पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या लिखी, एक पुस्तक है जिसका नाम है द मैन हु रिमेड इंडिया, ठीक है, ये लिख लेना द मैन हु रिमेड इंडिया। सर जी नींद आ रही है तो उसका इलाज एक है, सो जाओ, और कुछ नहीं करना है, सो जाना है। किसकी समझ में क्या नहीं आ रहा ये बताइएगा पहले। तो क्लास के बीच में आओगे तो कैसे समझ में आएगा ये बताएं, क्लास के बीच में आओगे तो कैसे समझ में आएगा? आपको क्लास के स्टार्टिंग में जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यही था आज का हमारा सेशन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, जो आपके यूपी पुलिस में पिछले कुछ सालों में जो पेपर हुए हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलिएगा, कोई बात नहीं, जो एडवांस है उनको एडवांस रहने दो। ध्यान रखना, कंपटीशन में वही हारा जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मानकर चलता है, और हमेशा वो जीतता है, भले ही उसके पास ज्ञान का भंडार है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता।
अपने ज्ञान को वो नहीं प्रदर्शित करता, वो हमेशा जीतता है। और हारा वही है ज्ञानी होने के बाद भी जो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। ये बात हमेशा याद रखना, वो कोई ना कोई गलती ऐसी करके आएगा कि उसको लगेगा कि तेरा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है और बार बार वो ही गलती करता है। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप धीरे धीरे कछुए की चाल से चलते रहें, लेकिन रेगुलर चलते रहें। जो कोई कुछ कह रहा है कि कान बंद कर लेना है, किसी की कोई बात नहीं सुननी है, अपने एक रास्ते पर चलना है। ठीक है, चलिएगा। तो ये था भाई आज का आपका सेशन, कैसा लगा सभी बच्चे ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी जो पॉलिटी की क्लास है, बिहार पुलिस वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बता दूँ, हाँ CGSL के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लिखित होती है क्या? नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होती भाई। UP SSSC की वैकेंसी जो आएंगी उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, टिक मार्क ऑब्जेक्टिव वाली आती है। ठीक है, चलिएगा। तो आप तैयारी करते रहें, ध्यान रखिएगा। नहीं रह रहा है, बताओ है? ठीक है, चलिएगा। तो ये MBU पुलिस के लिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर महाकाल बैच आपके लिए लाया गया है जिसमें आपको कंप्लीट यहाँ पर वीडियो मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन की आपको यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। अगर कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अगर आप कूपन कोड का यूज़ करते हैं MPP50 तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 250 में ये चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था महावीर बैच की, उस पर एप्लीकेशन पर क्लासेस आज कंटिन्यू हो चुकी हैं। जो हमने पढ़ा था आपका मूल अधिकार YouTube पर, उसके बाद वहाँ से आगे की जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर हैं, वहाँ से आपको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि कहाँ हमें बाकी क्लासेस मिलेंगी, तो हमने एप्लीकेशन पर पढ़ा है, जो बच्चे वहाँ पर गए थे पढ़ा था, उनको पता है कि किस तरह की चीज़ें उनको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें वहाँ पर आपको कराई जा रही हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा महावीर पुलिस के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था उसका आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से आप चलते रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। महावीर बैच पर जुड़ेंगे तो आपको कुछ नया ही वहाँ मिलेगा, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलने वाला है, मात्र 250 में आपको चीज़ें मिलेंगी, क्लास भाई लाइव होंगी। ठीक है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, दोनों क्लासेस आपको मिलेगी। और कुछ बच्चे लिख रहे थे कि सर PDF कहाँ मिलेगा, तो भाई PDF भी उसका मिलेगा, घबराएं नहीं, उसका PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो ये इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। 8:00 आपकी जो लाइव क्लास चलती है, हाँ, उसका वैकेंसी आने के बाद आपकी जो यूपी पुलिस की अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर, जैसे ही वो ख़त्म करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे, एक बैच अलग से इसका लॉन्च किया जाना है, उसके द्वारा ही आपको सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ाई जाएगी। जैसे आज आपने पढ़ा, ठीक है ना, हिस्ट्री आपने पढ़ी, तो एनिशेंट हिस्ट्री अलग आप पढ़ोगे, फिर आप अलग से मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, अलग से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी अलग से पढ़ोगे, साथ ही साथ आप अलग से पॉलिटी पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासेस होती है YouTube चैनल पर लाइव होती है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ लिंक है जिसके द्वारा आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बारे में प्रमोद यादव, अगर आप कॉल सेंटर पर कॉल करें तो वो मेरे से बेहतर आपको बताएंगे, आप वहाँ जाकर एक बार कॉल करना तो वो बेहतर आपको बता देंगे क्या आप उसको आपको उसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे इस तरह की जानकारी कम है। ठीक है, तो वहाँ पर आप सर थोड़ा मोटिवेशन दीजिएगा, मोटिवेशन यही है आपके लिए कि आप क्या हैं, पढ़ते रहें। ठीक है ना, जिस परिस्थिति में आप हैं मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति क्या है, आप उसको देखिएगा कि आप उससे ऊपर उठना चाहते हैं या नहीं, या वहीं रहना चाहते हैं जो परिस्थिति आपको बनाए रखी है। ठीक है, गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब बना रहना अभिशाप है, बस यही मोटिवेशन है। कोई भारत का संविधान आपको या कोई दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं कहती कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो वहीं रहें, आपको क्या है, आपको प्रतिष्ठा पाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, आपको अवसर की समानता है, तो अवसर आपको दिया गया है, उठें और अपनी जो स्थिति है उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा।
तो ये है आपका, यहाँ पर ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कोर्स सारे चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, फेसबुक पे, या आपका टेलीग्राम चैनल है भाई जिसे आपको ज्वाइन करना है। मोटिवेशन में विश्वास नहीं करता, मोटिवेशन पे ध्यान रखना इस चीज़ को। बार बार शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, बोलते हैं मोटिवेशन मेरी डिक्शनरी में ये चीज़ नहीं है, मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ये कुछ क्षण के लिए आपको एनर्जी देगा, बाद में आपको फिर ऐसे ही कर देगा। तो इस पर मैं कभी भी कोई भी लेक्चर नहीं देना पसंद करता, ना ही मैं इसको मानता हूँ। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मुझे कुछ करना हुआ तो मैं उसमें लग जाऊंगा, मुझे किसी के मोटिवेट या बूस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं किसी के बूस्ट करने से कुछ नहीं करने वाला, और होना भी यही चाहिए कि आप कोई मशीन नहीं हो कि आपको उसमें पेट्रोल डाला जाएगा या उसमें ईंधन डाला जाएगा तभी आप चलोगे। ठीक है, आप इंसान हो, आप में इमोशंस हैं, सोचने समझने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, क्षमता है, आप देख रहे हो क्या कंडीशंस हैं, तो आपको मोटिवेशन की इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये समाप्त है, बकवास चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं होता। ठीक है ना, चलिए, अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होता तो पूरा दिन 24 घंटे आपको एसएससी मेकर पर क्या मिलता, मोटिवेशन से संबंधित वीडियो हम दिया करते। ठीक है ना, टीचर की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल मोटिवेशन की एक पूरी मूवी लगा दी, पूरा दिन आप उसको देख कर पास हो जाओगे। ठीक है, चलिएगा, तो ये क्या है, ट्विटर चैनल है जिसको आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा, ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह के जो मोटिवेट चीज़ें आप देखते हो सकता है आपका पर्सनल है, मैं मना नहीं करता, जिसको अच्छा लगता है वो देखे, लेकिन भाई मैं इसके मामले में बिल्कुल भी किसी भी तरीका से इसके पक्ष में नहीं हूँ, पर्सनली मेरा ये मानना है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप देखें या ना देखें, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आपने मूल अधिकार पढ़े हैं, तो आपकी ये इच्छा है। ठीक है, तो आप कुछ भी करें, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है, मैं जो सच्चाई है वो आपको बता दी, सच्चाई ये है कि यही ऐसे ही अगर करना है, ऐसे ही आपको बढ़ना है, तो ये काम नहीं करने वाला, वहां काम करेगा आपका हार्ड वर्क, आपका मेंटल प्रेजेंट। ठीक है, समझे, चलिएगा, धन्यवाद भाई आप सभी का जो इतना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है ना, चलिएगा सर, क्लासेस जो होती है भाई ऋषभ जायसवाल, ये होती है आपका सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, शाम 6 बजे आपकी ये वाली क्लास होती है जिसमें हम यूपी पुलिस को लेकर बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को लेकर बात कर रहे हैं, और 3 बजे बिहार पुलिस के लिए आपकी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, चलिएगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप पूछोगे कि मोटिवेशन के लिए या कुछ सीखना है उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है ये है भाई, आप ये पढ़िए बुक में, कभी आप पढ़ने से बोर हो जाते हैं तो आप अब्दुल कलाम आज़ाद को पढ़ सकते हैं, भगत सिंह को पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी को पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बुक पढ़ सकते हैं जो आपको बिजनेस का आइडिया दे। ठीक है, वीडियो देखने से नहीं, पढ़ने से। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आप इंडिया 2020 पढ़ सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आप पढ़ सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, जो बुकें होती हैं अपने धर्म से संबंधित है, गीता आप पढ़ सकते हैं, बाइबल आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपके धर्म से संबंधित है, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि आप अपना जितना भी टाइम इसमें दोगे ये वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है। और ये क्या है, जो मोटिवेशन है ये मुझे टाइम वेस्ट लगता है, मुझे लगता है, आपका मुझे पता नहीं, ये क्या है, ये टाइम वेस्ट है, ना मैं कभी देखता हूँ, ना मेरी कभी इच्छा हुई कि मैं उनको देखूँ। ठीक है, ये है भाई, तो ये आप अपनी इच्छा के अनुसार बुक्स पढ़ सकते हैं, आपकी कोई भी रुचि हो सकती है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी रुचि क्या है। ठीक है ना, चलिएगा, तो क्लास आज यहीं तक था, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, उसमें आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी आपको समस्या आती है, ठीक है, तो क्लास को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुँचे। तो सुबह एक चीज़ और आपको बता दूँ, सुबह आपकी जो क्लास होगी, ये क्लास होगी आपकी करंट अफेयर्स की मैराथन, हम जून महीने की पूरी मैराथन यहाँ पर करेंगे, जून माह की, जून मंथ की मैराथन यहाँ पर करेंगे। तो सुबह 6 बजे सभी बच्चे रेडी रहें, ठीक है ना,
सुबह 6 बजे आपकी मैराथन होगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।